सो टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कि आपको अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए डॉक्टर्स कुछ टेस्ट लिखते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो उनमें अगर आपकी टेस्ट की वैल्यूज नॉर्मल से हिली हुई आती हैं, घटी बढ़ी आती हैं, तो उसके बेसिस पे डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं। अनदर थिंग इज़ कि आप सिम्टम्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आप में आप नोट कर रहे हो कि ये आप में है हाइपरथायरॉयडिज्म के, तो यू आर मोस्ट प्रोबेबली कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। सो वो सिम्टम्स हैं, नंबर वन, एक तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, ऐसा लगेगा कि अभी खाना खाया और अभी फिर कुछ ना कुछ खाने को मन कर रहा है, पेट भरा नहीं फील होगा। नोट करोगे कि पसीना पहले से बहुत ज़्यादा आ रहा है जितना पहले आता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को जितना आता है उससे कहीं ज़्यादा आपको पसीना आता है। सो इसकी नींद आपको ढंग से नहीं आ रही है, जैसे पहले गूढ़ी नींद आती थी जिससे दिमाग सुबह उठते थे फ्रेश होता था, लेकिन अब वो प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। शरीर टूटा टूटा सा फील करता है, ऐसा लगता है कि जल्दी टायर्ड हो जाते हो, जैसे शरीर में जान नहीं है वो काम करने की, तो वो चीज़ आप फील करोगे। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, और एक एंग्जाइटी लेवल भी आपका बढ़ गया है, ये भी आप नोट करोगे कि जल्दी मन घबरा जाता है छोटी छोटी बात पे, डर लगता है, नर्वस होते हो कि ये ना हो जाए, वो ना गलत हो जाए, सो एक घबराहट रहती है। यू विल नोटिस कि आँखें जो बल्जिंग आइज आपने देखी होगी जो थायराइड के पेशेंट है, तो ये चीज़ उनकी काफ़ी प्रोमिनेंट सी बाहर से होती है, उसकी हाथ ऐसे कांपते से ये चीज़ उनमें नोट करोगे आप थायराइड पेशेंट्स में। सिम्टम भी यू विल नोटिस कि आपका कंसिस्टेंटली जो है वो वेट लॉस हो रहा है, वेट कुछ गेन नहीं हो रहा है, तो जो बाल हैं और जो नाखून हैं तो वो एकदम ऐसे ज़रा से जोर लगाओ तो टूट जाते हैं। जो हार्ट बीट है वो फास्ट आ रही है एंड समटाइम इट कम्स इरेगुलर, सो दिस थिंग डॉक्टर विल नोट बाय चेकिंग योर हार्ट बीट। सो आप अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स या दो तीन सिम्टम्स आप नोट करते हो कि आप में हैं और आपको शक लग रहा है कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, देन डू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड जो भी टेस्ट वो लिखेंगे, जैसे कि आपको बताया थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो उसकी रिपोर्ट उनको दिखाएं एंड दे विल डिसाइड कि आपको इसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन जाएगी, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो टाइमली अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए देन दीज कंडीशंस आर ईजी टू हैंडल, ईजिली गेट क्योर। बट अगर आप इसको डिले करते रहते हो देन फिर दवाई लंबी चलती है, समटाइम्स इट टेक अ फॉर्म ऑफ अ सर्जरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल।